नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपको ओला S1 और S1 Pro की जो IP रेटिंग है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि ओला S1 और S1 Pro के अंदर जो IP रेटिंग आई है, IP रेटिंग इनकी कितनी है और IP रेटिंग होती क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों IP रेटिंग होती क्या है। दोस्तों IP का मतलब होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन, मतलब कोई भी बाहरी चीज़ उससे कितना प्रोटेक्ट करता है हमारा प्रोडक्ट। और दोस्तों ये जो IP रेटिंग होती है ये सिर्फ एक स्कूटर के लिए नहीं है, ये सभी चीज़ों के लिए है। कोई भी बहुत बड़ी मशीन भी हो सकती है, कोई छोटी मशीन भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, सब चीज़ों के लिए होता है। आईपी के जो स्टैंडर्ड्स है, आईपी प्रोटेक्शन के स्टैंडर्ड्स है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपने देखा होगा कि IP रेटिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, 55, 56, 78, मतलब इस तरीके से होती है कि जिसमें दो वर्ड होते हैं, दो अंक होते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, जिसमें इसकी IP का मतलब होता है इनग्रेस प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, और उसके बाद जो पहला वर्ड होता है उससे मतलब होता है, जो पहला अंक लिखा होता है उससे मतलब होता है कि वो डस्ट नहीं किसी भी सॉलिड पार्टिकल, जो कि डस्ट भी एक सॉलिड पार्टिकल में ही आता है, जो पहला जो अंक होता है वो होता है सॉलिड पार्टिकल के प्रोटेक्शन के संबंध में, और जो दूसरा अंक होता है वो होता है लिक्विड के प्रोटेक्शन के संबंध में। तो पहले से मतलब है, अगर पहली जैसे IP5, तो इसका मतलब है, मान के चलो हम एक उदाहरण लेते हैं IP55, तो इसका मतलब होता है IP मतलब रेटिंग, और 5 पहले 5 का जो मतलब है वो होता है कि ये जो है सॉलिड में कितना प्रोटेक्ट करता है। जो पहला अंक जो 0 से शुरू होगा, 0 का मतलब होता है कोई प्रोटेक्शन नहीं है उसके अंदर, और इस तरीके से जो दूसरा जो IP के जो 1 होगा, तो 1 होगा कि इतने mm से, अगर इतने mm से बड़ा पार्टिकल है तो उसके अंदर एंट्री नहीं ले पाएगा उस जो कोई भी इक्विपमेंट जिसकी आईपी रेटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस तरीके से 2, 3, 4 इस तरीके से करते हुए जो 5 और 6 तक होते हैं, ये होते हैं काफ़ी हद तक जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी एंट्री नहीं कर सकते। अगर बाई चांस एंट्री कर भी गए तो उस प्रोडक्ट पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालेंगे। इसी प्रकार से दूसरा जो होता है, जो दूसरा अंक जो बताया गया है, मान लो 55 है, तो दूसरा जो 5 है उसका मतलब होता है, पहले में तो ये कहा जाएगा कि हम वाटर के ड्रॉपलेट्स डालेंगे 1, 2, 3 इस तरीके से ड्रॉप ड्रॉप करके, तो कैसा इफेक्ट होता है। मतलब जीरो का तो मतलब होता है कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है उसका, वो पानी लगे है तो ख़राब हो ही जाएगा। तो इस तरीके से 1, 2, 3 इस तरीके से करा जाएगा कि पहले हमने स्प्रे किया, पहले ड्रॉप ड्रॉप डाले, फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ एक एंगल से स्प्रे किया, फिर एक सीधा स्प्रे किया, फिर एक एंगल से स्प्रे किया, दोनों तरफ से स्प्रे किया। तो इस तरीके से ये होता है, जैसा कि मैंने आपको चार्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से मैंने चार्ट में सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, इसी तरीके से होता है। तो ओला S1 और S1 Pro के संबंध में हम बात करें तो दोस्तों ओला जो S1 है उसमें IP रेटिंग है 55, और जो S1 Pro है उसकी रेटिंग है IP67। तो आप चार्ट में देख के इसका आइडिया लगा सकते हैं कि IP67 में क्या क्या डिफरेंस है। लेकिन इसमें काफ़ी एक दोस्तों, अगर आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसमें जो IP67 में अगर देखोगे तो 7 जो होता है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर पूरा का पूरा इसमें पानी में डुबो भी दिया जाए तो 30 मिनट तक ये सर्वाइव कर लेगा। लेकिन दोस्तों हर प्रोडक्ट, ये जो चार्ट है और ये जो सर सिस्टम बनाया गया है, ये सारी चीज़ों के लिए इकट्ठा ही एक सिस्टम बनाया गया है, ये कॉमन है सबके लिए। तो इसमें बहुत से इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, आप ऐसा नहीं है इस चार्ट को देख के ही और पूरा अपना स्कूटी को पूरा पानी में डुबो दोगे। लेकिन एक रेफरेंस के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट वीडियो बनाई गई है कि आपको पता चल सके कि आईपी रेटिंग एक्चुअली में होती क्या है। अब जिस तरीके से आप देखोगे उसके ऊपर एक टच स्क्रीन लगा हुआ है, जो स्कूटर के ऊपर जो टच स्क्रीन है वो आमतौर पे दोस्तों टच स्क्रीन जो होते हैं वो पानी में, मान लो बरसात के टाइम पे, वे काम नहीं करते हैं या ठीक से काम नहीं करते, आपको पहले उसका पानी हटाना होगा और फिर साफ करके काम करेगा वो। उसमें भी दो कंडीशन है, वो देखना पड़ेगा कि उसके अंदर जो टॉप जो टच स्क्रीन है वो रेसिस्टिव डाला है या कैपेसिटिव डाला है। अगर वो कैपेसिटिव टच स्क्रीन डाला है, जो अपने मोबाइलों में आजकल लेटेस्ट में आ रहा है, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आप कहीं और टच करोगे वो कहीं और टच करेगा, ऐसे लेफ्ट राइट कहीं कहीं उल्टी सीधी जगह पे वो टच करेगा। और वैसे उम्मीद है ज़्यादातर जो इस तरीके की जो आउटडोर की चीज़ें होती है उसमें ज़्यादातर रेसिस्टिव का टच स्क्रीन का ही यूज़ किया जाता है। रेसिस्टिव टच स्क्रीन के अंदर क्या होगा दोस्तों, अगर पानी आएगा हल्का फुल्का तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी अगर आ गया, मान लो पूरी बारिश ही हो रही है बहुत तेज़ की, तो उसमें वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो हमको पहले उसको साफ़ करना पड़ेगा और फिर वो
ठीक से काम करेगा। दोस्तों तो ये आज के लिए बस इतना ही, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आईपी रेटिंग क्या होती है। आईपी 55 और 67 जो है ओला S1 और S1 प्रो की इस तरीके से आईपी रेटिंग्स हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।